आप से बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा स्कोर 635 है, 670 है, 570 है, 580 है। तो मैं एक बात आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, रादर देन कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपका सेलेक्शन होता है तो बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया रैंक या फिर स्टेट रैंक के थ्रू होता है, वहाँ पे स्कोर इतना मैटर नहीं करता, खासकर उन स्टेट में जो हाई मेरिट में आते हैं। हाई मेरिट स्टेट की अगर आप स्टेट मेरिट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, इसके अलावा बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सब स्टेट में ये होता है कि सपोज करिए 580 पे सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट्स का, लेकिन अगर आपका 580 है तो इसकी गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जब आपकी स्टेट मेरिट बनती है तो आपकी रैंक कितनी ऊपर होती है, क्या आपकी जो सीटें हैं, नंबर ऑफ वैकेंट सीटें हैं, उसमें आपकी रैंक एडजस्ट कर रही है। हो सकता है 580 करने वाले 50 कैंडिडेट्स हों आपकी स्टेट में और सिलेक्शन केवल 10 का हो, तो 580 इज नॉट द फिक्स स्कोर। यहाँ पे फिक्स स्कोर नहीं, फिक्स रैंक होता है। लेकिन अगर आप लो स्टेट की मेरिट स्टेट की बात करेंगे, जैसे आसाम हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, या कुछ स्टेट्स हैं जिनका 550 या नीचे, जैसे कि आपका तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा तेलंगाना हो गया, यहाँ पे मेरिट काफ़ी लो रहती है। तो यहाँ पे दो स्कोर के बीच में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट्स को सीटें आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स दो स्कोर के बीच में कम होते हैं। लेकिन यही बात मैं अगर यूपी की बात करूँ तो लास्ट ईयर आप देखेंगे कि 605 से लेके 600 के बीच में 200 से 300 कैंडिडेट्स थे, तो इतनी सीटें तो आ नहीं सकती, या इससे ज़्यादा भी कैंडिडेट्स होते हैं। केरला जैसे स्टेट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की मेरिट बहुत हाई जाती है, वहाँ पर एक मार्क्स के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये गारंटी कोई नहीं कर सकता है कि आपने 600 स्कोर किया तो आपको सीट मिल ही जाएगी, या आपने 585 किया तो आपको सीट मिल ही जाएगी। अब आपकी स्टेट में 585 करने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, सपोज करिए 585 करने वाले अगर 30-40 कैंडिडेट्स निकल गए तो कोई गारंटी तो है नहीं है आपका सिलेक्शन का। तो यहाँ पे मैटर करता है रैंक रादर देन स्कोर। लेकिन लो मेरिट वाली स्टेट में ऐसा नहीं होता है। लो मेरिट वाली स्टेट में क्या होता है कि नंबर के बीच में कैंडिडेट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से ही उनका, आपने देखा होगा कट ऑफ आपका असम का हो गया और हिमाचल प्रदेश का हो गया 520-500 के बीच में ये नंबर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कैंडिडेट्स दो स्कोर के बीच में कम रहते हैं। अब ये यूपी के केस में नहीं होगा कि 607 पिछली बार कट ऑफ गया, तो 607 और करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनका सिलेक्शन हो सकता था अगर स्कोर के बेस पे होता तो, लेकिन यहाँ पे रैंक के बेस पे सिलेक्शन होता है, इसलिए 607 करने वाला वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है जिसकी रैंक ऊपर थी। तो यहाँ पर इसकी गारंटी मैं इसलिए पहले कहता हूँ कि रैंक मैटर करता है। कि अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ठीक है एक सेफेस्ट स्कोर क्या हो सकता है, सेफेस्ट रैंक होती है दोस्तों, सेफेस्ट स्कोर नहीं हो पाता है। कोई गारंटी नहीं होती है किसी भी कैंडिडेट्स की कि इस स्कोर पे उसको सीटें मिल ही जाएगी, लेकिन हाँ अगर एक बार स्टेट की मेरिट आती है और रैंक आती है तो पता चलता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। तब तक सीटें बढ़ती हैं घटती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है ये मैटर करता है। तो केवल उम्मीद ये लगाइए कि आपकी रैंक अच्छी हो, क्योंकि रैंक अगर अच्छी नहीं होगी, स्कोर आपका बहुत अच्छा है फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये सत्य बात है। तो सीधा सीधा जो मेरिट होती है वो आपकी मैटर करती है ऑल इंडिया रैंक या फिर स्टेट रैंक पे रादर देन स्कोर पे, जिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह के जो स्टेट हैं वहाँ पे बहुत डाउटफुल होता है, मीन्स जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया,
केरला हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर जो हाई मेरिट वाली स्टेट है जिनका कट ऑफ 600 से या 600 से ऊपर जाता है या 580 से ऊपर जाता है, वहाँ पे इसकी गारंटी नहीं होती है कि किसी सर्टेन स्कोर पे आपको वो सीट मिल जाएगी या सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का कंपटीशन बहुत हाई होता है और सर्टेन स्कोर के बाद जो गैप होता है मींस दो स्कोर के बीच में, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स सेम स्कोर करने लगते हैं, तो वहाँ पे रैंक आपकी मैटर करती है। इसलिए मैं पहले, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पे मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो जिस पे कि मुझे 100% श्योर रहता है कि हाँ इसका हो ही सकता है उसको मैं जवाब देता हूँ, जिस पे नहीं रहता कि डाउट कि भाई इस स्कोर पे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं, सीटें बढ़ी हुई हैं, तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि सीटें अगर बढ़ती भी हैं तो वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किस स्कोर के बीच में आते हैं ये भी मैटर करता है। तो आप लोग यही करिए, मीन्स सोचिए कि रैंक आपकी अच्छी हो। इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता था एग्ज़ाम से पहले, तो मैं आपसे कहता था कि अपने रैंक पे फोकस करिए, गलतियां मत करिए, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम मत होइए, क्योंकि रैंक अगर अच्छी नहीं रहेगी, स्कोर कितना भी अच्छा रहे, सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो एक बार स्टेट मेरिट का वेट करो, कैसे स्टेट मेरिट आती है, ऑल इंडिया रैंक जो आती है नीट के बाद, उसके बाद आपको क्लियर पता चलेगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स ऑल।